अस्सलाम वालेकुम। आज हम जहांगीरी कोरमा बना रहे हैं, जिसके लिए हमने चिकन ली है आधा किलो, कुकिंग ऑयल लिया है आधा कप, मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं तीन, फ्राइड आनियन लिए हैं वन कप, लहसुन की पेस्ट ली है वन टेबलस्पून भरकर, दही लिया है आधा कप, दूध लिया है आधा कप। दूध को हमने दही के अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करके एक साइड पर रख देना है। साबुत मसालों में हमें चाहिए बड़ी इलायची ब्राउन कार्डिमम 1, काली मिर्ची साबुत 12, लौंग लेंगे 4, छोटा सा हमने सिनेमन का टुकड़ा लेना है, 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया लेना है। पिसे हुए मसालों में हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, चिकन को धोकर हमने आधा टीस्पून नमक लगा दिया है, 1 टीस्पून हमने ये लेना है, 2 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लेना है, आधा टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लेना है, जीरा पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। अब हमने एक वॉक को गरम कर लेना है। आग को हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज रखना है। इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल डालना है आधा कप, इसमें हमने साबुत मसाले डालने हैं, एक हमने ब्राउन कार्डमम डालनी है, बड़ी इलायची, काली मिर्ची डालनी है 12 अदर, लौंग डालने हैं 4, सिनेमन का एक टुकड़ा छोटा सा डाल देना है, साबुत धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर। थोड़ी देर हमने इनको मसालों को थोड़ी सा पकाना है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, बस आधे मिनट के लिए हमने इनको पकाना है। फिर साथ ही हमने चिकन डाल देनी है। चिकन को हमने धोकर आधा टीस्पून नमक लगा दिया था। अब हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को हमने अच्छी तरह से थोड़ा भून लेना है, जब तक चिकन का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और कलर चेंज हो जाए। आग को हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज रखना है। बहुत मज़ेदार कोरमा तैयार होता है। ये कोरमा आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब हमने इसमें गार्लिक की पेस्ट डाल देनी है 1 टेबलस्पून भरकर। साथ ही हमने मसाले डाल देने हैं। नमक डालेंगे 1 टीस्पून या 2 टेस्ट, जितना भी आप लाइक करें। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून, अगर ज्यादा खाते हैं तो 1 टेबलस्पून कर लें। जीरा पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। मसाले डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें फ्राइड अनियन डाल देने हैं 1 कप। अगर आप फ्रेश प्याज डाल रहे हैं तो सबसे पहले आपने प्याज को ब्राउन करके रख लेना है। अब हमने 4 से 5 मिनट तक चिकन को भून लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम भून लेते हैं चिकन को। मसाले डालकर 4 से 5 मिनट तक हमने चिकन को भून लिया है। अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर हमने 3 लिए हैं मीडियम साइज के, इनका छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। टमाटर डालकर हमने चिकन को और भूनना है।
ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना, बस ये आपने ध्यान रखना है कि चिकन टूटे ना। आग को हमने मीडियम से तेज रखना है। अब हमने तब तक भून लेना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर डालकर हमने अच्छी तरह से भून लिया था। अब हमने आधा कप इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी आप उतना ही डालिए जितना आपने कोरमा रखना हो। अब हमने आग को थोड़ा मीडियम कर देना है और इस पर हमने ढकना लगाकर 10 से 15 मिनट तक पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक आपको लगे कि चिकन थोड़ी गल गई है। कोरमे को हमने ढकना लगाकर 10 से 15 मिनट तक पका लिया है। ढकना उठाकर दरमियान में आपने चमचा जरूर हिलाना है ताकि चिकन नीचे ना लगे। अगर चिकन नरम है तो ढकना उतार कर पका ले। अब आप देख रहे हैं इसकी ग्रेवी थिक हो गई है, ऊपर बबल बनने लग गए हैं। अब हमने इसमें दूध मिला दही डाल देना है। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसके दाने ना हो। दही को बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। दही डालकर मिक्स कर देंगे। अब आपने देखना है कि आपने कितनी ग्रेवी रखनी है, तब तक आप कोरमे को पका लें। अब हमने ढकना नहीं लगाना, बस इसी तरह से हमने पकाना है। अब हम कोरमे को पका लेते हैं। आप देख लें थिकनेस जितनी आपको चाहिए, आप 5 मिनट पका लें, 10 मिनट पका लें, जितनी आपने इसमें ग्रेवी रखनी हो उतना ही पका लें, ढकना लगाए बगैर, और बीच में मिक्स करते रहें ताकि नीचे ना लगे। कोरमे को हमने दही डालकर तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है। अब इसकी ग्रेवी थिक हो गई है और घी भी साइडों से थोड़ा अलहदा होने लग गया है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। अब हमने इस पर काली मिर्च डाल देनी है आधा टीस्पून और गरम मसाले का पाउडर डाल देना है 1 टीस्पून। ये डालकर हमने मिक्स कर देना है। बहुत मज़ेदार हमारा कोरमा तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी ग्रेवी, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।